नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर बिहार, NIUS के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम DLED के पाठ्यक्रम 502 के अंतर्गत वर्णित विषय प्रोजेक्ट विधि पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय असम के शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हितेश शर्मा जी। मैं आप सब की ओर से इनका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि शिक्षण की विभिन्न विधियों का सहारा हम शिक्षक वर्ग कक्ष में लेते हैं, और ये विधियां भी एक ही दिन में हमारे सामने नहीं आई, बल्कि शिक्षण अधिगम की जो लंबी परंपरा रही है उसमें देश काल के अनुसार या समय की मांग के अनुसार विभिन्न तरह की विधियां अस्तित्व में आती रही हैं। उनके प्रभाव से हम सब वाकिफ हैं। वैसे ही एक विधि जो आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है वह है प्रोजेक्ट विधि। इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हम हितेश शर्मा जी के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा आग्रह हितेश जी आपसे यह है कि हमें यह बताने की कृपा करें कि जो दो तरह की मुख्य विधियां हैं जिन्हें हम मानते हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित और दूसरी शिक्षार्थी केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित विधियां कौन सी हैं? शिक्षक केंद्रित विधियां हैं जिन्हें हम अनुदेशनात्मक विधियों के रूप में भी जानते हैं। अनुदेशनात्मक विधियों में मुख्य विधि है हमारे पास व्याख्यान विधि, हम सभी परिचित हैं व्याख्यान विधि से। जी, प्रदर्शन विधि है जी, आगमन एवं निगमन विधि है जी, बातचीत विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है। इसके साथ साथ हम कक्षा में इस्तेमाल करते हैं व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह बातचीत विधि, चर्चा विधि। इस तरह से हम ये शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं क्योंकि इनके केंद्र में शिक्षक होता है जी जी, और शिक्षक कक्षा में प्रभावी रहता है। विद्यार्थी शिक्षक को सुनते हैं, कभी वह सक्रिय रहते हैं, कभी सक्रिय नहीं भी रहते हैं कक्षा में जी जी। तो इस तरह से वो शिक्षक को सुन के कक्षा में ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कितना ज्ञान ग्रहण करते हैं ये निश्चित नहीं है, तो लेकिन केंद्र में शिक्षक है, इसलिए ये शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं। तो क्या कुछ ऐसी विधियाँ भी तो हैं ही ना जो विद्यार्थियों के या शिक्षार्थियों के अनुकूल हैं या शिक्षार्थी केंद्रित हैं? जी हाँ सर, जो अन्य विधियों का जो हमारा समूह है उन्हें कहते हैं हम विद्यार्थी केंद्रित या विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। विद्यार्थी अनुकूल विधियों में हमारे पास हैं खेल विधि, जिसमें खेलकूद विधि, परियोजना या जिसे हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, भूमिका निर्वाह विधि, भ्रमण विधि। तो इस तरह से हमने देखा ये जो विभिन्न तरह की विधियाँ हैं इनके केंद्र में विद्यार्थी है। विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय है और पूर्ण मनोयोग के साथ इसमें भाग ले रहा है, तो इसलिए ये विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ हैं। जी जी, हितेश जी आपका यह कहना है कि जिसमें अधिक से अधिक भागीदारी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की हो उसे हम विद्यार्थी अनुकूल विधि कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो विद्यार्थियों के या शिक्षार्थियों के अनुकूल विधियाँ हैं उनका अधिगम में ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है या शिक्षार्थियों के सीखने में ऐसी विधियाँ ज़्यादा सहायक होती हैं। उन्हीं में एक विधि है प्रोजेक्ट विधि भी, जिसे शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी अनुकूल विधि कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट विधि क्या है, हमारे जो प्रशिक्षु हैं DLED के वो आपसे जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट विधि आखिर है क्या? जी हाँ सर, प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि का नाम तो आप सभी हमारे साथियों ने सुन रखा होगा क्योंकि प्रोजेक्ट आजकल बहुत ही प्रचलित शब्द है जी। स्कूलों में प्रोजेक्ट दिया जाता है, विद्यार्थी घर पर लेके आते हैं, उस कार्य को करते हैं, कई बार उनके माता पिता उनकी मदद करते हैं जी जी। व्यक्तिगत रूप से या समूह में प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें विद्यार्थी कुछ रिपोर्ट बनाते हैं, कई चित्रों का संकलन करते हैं और उसे एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि को जानने के लिए हमें समझना होगा कि प्रोजेक्ट क्या है। एक इसमें एक शिक्षार्थी एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है विलियम हेड किलपैट्रिक। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक कार्य है जी, जो कि सामाजिक वातावरण में किया जाता है और इस को पूरे मनोनय या पूरे हृदय के साथ किया जाता है। जो प्रोजेक्ट विधि है इसका एक तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है।
एक शैक्षणिक कार्य है जिसके उद्देश्य शिक्षक तय करता है कि विद्यार्थियों को करना क्या है और उनका लक्ष्य क्या है, और इसमें संपूर्ण हृदय के साथ यानी कि पूरी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर इस विधि में सक्रिय रूप से विद्यार्थियों की भागीदारी होती है। जी जी। और इसमें समस्यात्मक कार्य है, यह एक प्रोजेक्ट विधि एक समस्यात्मक कार्य है जिसमें शिक्षक को एक समस्या को प्रस्तुत करना होता है, जिस समस्या का हल जानने के लिए विद्यार्थी उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, और इसको वास्तविक जीवन से हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हमारे सामाजिक वातावरण से जोड़ना आवश्यक है। तभी हम इसको उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यार्थियों को हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनसे जोड़कर हम उनमें बेहतर और प्रभावी अधिगम को संभव बनाते हैं प्रोजेक्ट विधि द्वारा। तो प्रोजेक्ट विधि में यानी जो संलग्नता है, जी हाँ, और आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट व्यक्तिगत भी हो सकता है और समूह में भी, सामूहिक भी हो सकता है। जी हाँ, मतलब आप समूह में भी प्रोजेक्ट करना सीखते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी यह जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, शिक्षक द्वारा दी जाती है। शिक्षक द्वारा दी जाती है। तो इस विधि की क्या विशेषताएं हैं प्रोजेक्ट विधि की? जी हाँ, जैसे हमने देखा कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो इसके अंतर्गत ही हमने देखी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि उद्देश्यपूर्ण होता है जी, सामाजिक इसमें उपयोगिता बहुत जरूरी होनी है। ऐसा प्रोजेक्ट अध्यापक विद्यार्थी को दे जो उपयोगी ना हो उनके लिए, वो उनके किसी काम का नहीं है। जी जी। उसकी उपयोगिता, उसमें कैसे वो हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जी, उसके क्रियाकलाप जो रहते हैं, जो हमारा कार्य या क्रियाकलाप हैं प्रोजेक्ट के, वो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि विद्यार्थी कैसे उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें जी। फिर उसका प्रयोजन जी। कि प्रोजेक्ट का प्रयोजन क्या है, किस तरह से वो समस्या समाधान कर रहा है, और प्रोजेक्ट का जो आयोजन है वो सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों में होना आवश्यक है, क्योंकि प्रोजेक्ट इसी तरह का नहीं हो सकता जो विद्यार्थियों से संबंधित नहीं हो, जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं हो, जो उन्हें पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने में मदद नहीं करे, तो उनके वास्तविक दिन प्रतिदिन जीवन की परिस्थितियों में से ही प्रोजेक्ट को लेना आवश्यक है। जी जी। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ये कुछ कुछ मुख्य मुख्य खास खास बातें हैं, जो एक तरह से हमें ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। होता क्या है, लेकिन आपने एक और अच्छी बात कही यहाँ पे कि उसके जैसे विशेषताओं की बात कही आपने यहाँ पर जी। तो जो हमने कहा कि एक समस्यात्मक कार्य है, तो जो समस्या है या समस्यात्मकता है प्रोजेक्ट की, यह उसकी मुख्य विशेषता है कि हम जब भी प्रोजेक्ट शिक्षक अध्यापक विद्यार्थियों को देगा वो एक समस्या के रूप में देगा, कि विद्यार्थी उसको फिर उसका हल निकालने के लिए उसका कर सके, उसका समाधान के लिए अग्रसर होते हैं जी जी जी। इसमें उद्देश्य होते हैं जी। उद्देश्य इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्रियाकलाप है, वास्तविकता है और स्वतंत्रता है जी। जो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देना इसका अनिवार्य विशेषताएं हैं जी जी। तो हमने देखा है यहाँ पे कि समस्यात्मकता, उद्देश्य, सोद्देश्यता, क्रियाकलाप, वास्तविकता, स्वतंत्रता, यह हमारी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं प्रोजेक्ट विधि की। मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट विधि के लिए इन तत्वों का होना एक तरह से अनिवार्य है। यानी समस्या हो, उद्देश्य हो, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां हो, क्रियाकलाप हैं, और वास्तविक वातावरण में हो, और यह ध्यान बराबर रहे कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों की बिल्कुल रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो अधिगम उद्देश्य हैं उसकी संप्राप्ति हम इसके द्वारा हो रही है या नहीं, ये अनिवार्य है। और एक तरह से प्रोजेक्ट की विशेषता भी है, यदि ये बातें नहीं हैं तो हम उसको फिर प्रोजेक्ट विधि मानने में थोड़ी परेशानी जी हाँ, मुझे लगता है कि होगी, फिर वो अन्य विधि हो जाएगी, फिर वो अन्य विधि हो जाएगी। प्रोजेक्ट विधि में ये सब तत्व हैं तभी वो प्रोजेक्ट विधि है। हाँ, इन विशेषताओं का, इन तत्वों का होना अनिवार्य है। लेकिन प्रोजेक्ट विधि के कुछ चरण भी हैं जी हाँ, किस तरह से हम इसका संपादन करें जी हाँ, तो उन विभिन्न चरणों के बारे में यदि आप कुछ चर्चा करें हितेश जी तो लाभदायक होगा जी हाँ, हम सुनने वालों के लिए जी हाँ। प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट आयोजन हम करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट विधि से अध्यापन करना चाहते हैं जी, तो उसके विभिन्न पदक्रम बनाए गए हैं, चरण बनाए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम है हमें कि हमें शिक्षक का काम है कि प्रोजेक्ट के लिए परिस्थिति उपलब्ध कराना जी जी। जो परिस्थिति उपलब्ध कराना यानी कि पूरी जो समस्या को प्रस्तुत करने के पहले उसका जो उसके बारे में पूरी परिस्थिति या जानकारी उपलब्ध कराना, यह है प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहला चरण जी जी। उसके जब परिस्थिति शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को उपलब्ध करा देता है यानी कि सारी जानकारी प्रदान करता है कि समस्या क्या है, तो फिर होता है समस्या की पहचान जी, या समस्या का हम उसे कह सकते हैं चुनाव जी।
समस्या को प्रस्तुत करेगा शिक्षक, और समस्या प्रस्तुत करने के बाद फिर विद्यार्थियों से विचार मंथन होगा, चर्चा होगी, तो फिर प्रोजेक्ट की योजना बनेगी कि प्रोजेक्ट करना कैसे है, और उसके बाद फिर जब ये हो जाती है तो फिर आता है अगला चरण क्रियान्वीकरण का। क्रियान्वीकरण यानी कि प्रोजेक्ट को क्रियाकलाप करना विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट को करना, और अंत चरण है इसका मूल्यांकन। सर हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे परिस्थिति उपलब्ध कराना, यानी कि शिक्षक के सामने एक परियोजना शिक्षक के मन में है कि हम विद्यालय में एक प्रदर्शन या कक्षा के लिए एक प्रदर्शन बोर्ड बनाना, जिसमें विद्यार्थी अपनी रचनात्मक जो भी उनके निर्माण किया है उन्होंने उसका प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने उसे एक प्रोजेक्ट विधि के द्वारा विद्यार्थियों से करवाने का सोचा। तो सबसे पहले तो उन्हें परिस्थिति उपलब्ध करानी पड़ेगी विद्यार्थियों की, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों है, ये सब विद्यार्थियों से शिक्षक चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर उनकी समस्या का चुनाव करेंगे कि समस्या यह है कि हमें एक यहाँ पर एक प्रदर्शन करने वाला बोर्ड रखना है, जिसमें कि विद्यार्थी, जिसे हम वॉल मैगजीन भी कहते हैं, उस तरह सब चीज़ों की अपनी रचनात्मक चीज़ों को प्रदर्शित कर सके। तो उन्होंने समस्या का चुनाव करा, विद्यार्थियों से बातें की, तो प्रोजेक्ट की योजना बनाने शुरू करी। तो प्रोजेक्ट की योजना में उनके सामने समस्याओं के प्रश्न आएंगे, जैसे विद्यार्थी पूछेंगे कि कौन सी जगह ठीक है बोर्ड लगाने के लिए, क्या हमें इस बोर्ड लगाने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी, यदि हम बोर्ड लगाते हैं तो उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, और अगर इन सब चीज़ों के प्रश्नों से जब अध्यापक विद्यार्थियों से चर्चा करता है तो हम प्रोजेक्ट की योजना बन रही है कि कैसे करना है। फिर शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में कार्य देता है कि यह विद्यार्थी यह निश्चित करेंगे कि विषय वस्तु क्या रहे उस पर, दूसरे विद्यार्थी तय करेंगे कि उसके लिए कैसे विषय वस्तु का, जो विभिन्न वस्तुएं उनका निर्माण कैसे हो जी, उसके लिए सामग्री क्या क्या है, ये सब अलग अलग जिम्मेदारियां हमने अलग अलग समूह में विद्यार्थियों को दे दी। फिर उसका काम होता है क्रियान्वीकरण करना, सभी विद्यार्थियों से सभी वस्तुएं इकट्ठी किए, एकत्रित करने के बाद फिर उसको कैसे वहाँ पर क्रियान्वयन में उसको लेकर आना, और जब वो बन जाए पूरा बोर्ड तो फिर अंतिम हो उसका मूल्यांकन कि उसकी प्रभावीता क्या है, कितना दूसरे लोगों से हम उसके प्रतिपुष्टि लेंगे कि जो भी उन्होंने बनाया वॉल मैगजीन बनी वो कैसे बनी है, उसका अधिगम में क्या योगदान है, विद्यार्थियों को उससे क्या लाभ हो रहा है। तो ये विभिन्न चरण हैं प्रोजेक्ट के, तो परियोजना को तो कई विषय हैं, कई प्रकरण हैं जिन्हें हम इस विधि के माध्यम से प्रभावी रूप से कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो कुछ और भी उदाहरण जी हाँ हम ले सकते हैं क्या प्रोजेक्ट के, जब पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, जी हाँ है, जी हाँ, ये तो हम जैसे हमारा जैसे कि हमारे साथी लोग प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित हैं, तो जब प्राथमिक विद्यालय में हम प्रोजेक्ट विधि अत्यंत उपयोगी है जी, जैसे कि रिपोर्ट बनाना, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं विभिन्न स्थलों के भ्रमण के लिए, जैसे आपने नाम बताया पोस्ट ऑफिस ले जा सकते हैं, चिकित्सालय ले जा सकते हैं, बैंक ले जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं, इसके अलावा नगर पालिका नगर निगम के ऑफिस ले जा सकते हैं, ग्राम पंचायत ले जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर विद्यार्थी समझे, अवलोकन करें कि वहाँ पर कार्य क्या होता है, वहाँ पर जो विभिन्न व्यक्ति हैं वे क्या कार्य करते हैं, वहाँ अवलोकन करें, उनसे चर्चा करें, देखें, और उसके बाद फिर मिलकर या व्यक्तिगत रूप से उसका रिपोर्ट बनाएं कि, और उसके साथ उस रिपोर्ट में विभिन्न चित्रों को लगाएं कि जैसे कि बैंक में क्या कार्य होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या कार्य होता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को यह सब जानना जरूरी है, क्योंकि बैंक अनेक कार्य करता है, अब एक कार्य नहीं रह गया बैंक का, चिकित्सालय में भी बहुत सी वो होती है, प्रोसेस होती है, जब हमारा जो भी रोगी आता है तो उसे कुछ तरह की फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, तो क्या क्या है विद्यार्थी इसको समझे, पुलिस का क्या कार्य है, पुलिस कैसे कार्य करती है, तो पुलिस को समझे, ऐसा होता भी है प्राथमिक विद्यालयों में, उनको भ्रमण के लिए कहीं कई जगहों पर ले जाया जाता है। हाँ, तो अगर इसे हम परियोजना विधि से करें तो विद्यार्थी और अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी संलग्नता, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जी हाँ, वो सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। यदि शिक्षक इसी को पढ़ा दे कक्षा में तो विद्यार्थियों की रुचि नहीं आती है और सारे विद्यार्थी सक्रिय नहीं हो पाते, लेकिन विद्यार्थी जब खुद करता है, उसका खुद रिपोर्ट बनाता है, तो उसे सक्रिय अपने आप हो जाता है, विद्यार्थी की रुचि जागृत होती है कार्य करने के लिए। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी अपने क्षेत्र में जो जो स्थानीय व्यवसाय हैं उनका अवलोकन करें कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं वो क्या व्यवसाय करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई बड़ई का काम करते हैं, कोई अन्य तरह के जो भी व्यवसाय हैं, तो उनके ऊपर एक रिपोर्ट बना सकते हैं। हाँ, मतलब यूं कक्षा में बता देना कि ये यह कार्य करते हैं, हाँ, यह कार्य करते हैं, इनका ये व्यवसाय है, इससे हाँ। बेहतर है कि आसपास के बच्चे, आसपास जिस तरह के काम करने वाले हाँ। लोग हैं, यानी जो काम की दुनिया में शामिल लोग हैं, हाँ। उनको बच्चे स्वयं जाके जाने और
जानने की कोशिश करें जी। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक तरह से फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा, उनका पहली बार वो उस तरह से जानेंगे उन लोगों के काम के बारे में, बजाय इसके कि हम कक्षाओं में इसको पढ़ा दें। जी हाँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विधि की तो ये मुख्य शर्त है कि जो उनकी समस्या है वो दिन प्रतिदिन से लेना है, क्योंकि सामाजिक वातावरण से जोड़ना है जी प्रोजेक्ट विधि को। जैसे कि हमने कहा कि खान पान की आदतें, एक प्राथमिक कक्षा कक्षा तीन की पुस्तक में है कि स्थानीय लोगों के खान पान की आदतें क्या क्या हैं, एक पाठ दिया हुआ है, उसे पढ़ाने के लिए आप प्रोजेक्ट का सहायता ले सकते हैं कि उस पर रिपोर्ट बनाएं, हम विभिन्न समुदाय के लोगों की खान पान की आदतें कैसी है, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खान पान की आदतों में क्या अंतर है, विद्यार्थी जाने, चर्चा करें, माता पिताओं से चर्चा करें, अपने शिक्षक से चर्चा करें, अपने साथियों से चर्चा करें, और यह पता करें कि विभिन्न लोगों की खान पान की आदतों में क्या भिन्नताएं, और उस पर रिपोर्ट बनाएं। जैसे विद्यालय की, कई विद्यालय की पत्रिका बनती है, हम विद्यालय अपनी पत्रिका निकालता है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से किया जाए, अलग अलग समूह में विद्यार्थियों को कुछ दायित्व दिया जाए जिससे कि विद्यार्थी कुछ सीखें और सक्रिय रूप से अधिगम में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें। ऐसे ही जैसे हमारे पर्व त्यौहार हैं जी हाँ, उन पर आमतौर पर उन पर भी हम पाठ पढ़ा देते हैं जी हाँ, जबकि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं हिस्सा होते हैं इन पर्व त्यौहारों का, तो क्या इस पर भी हम कुछ प्रोजेक्ट विधि के द्वारा अपने शिक्षकों से या बच्चों के सहभागिता से कुछ करा सकते हैं? जी हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जैसे कि हमारे त्यौहार है तो हमारे उसके ऊपर एक पाठ दिया हुआ है एक NCERT की पुस्तक में भी, तो हम उसको अध्यापन करने के लिए प्रोजेक्ट विधि एक बेहतर विधि है कि जिसमें विद्यार्थियों को कहा जाए कि वो खुद आंकड़े एकत्रित करें कि विभिन्न तरह के लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, उन त्यौहारों के अंतर्गत वो क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, तो उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएं, कुछ चित्र एकत्रित करें उनसे संबंधित, बिल्कुल चर्चा करें, और अपने अपने दोस्तों में भी अलग अलग समुदाय के लोग लोग कैसे कैसे अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो इन सब के बारे में जब विद्यार्थी बात करेगा, चर्चा करेगा, तो उसका उसकी संलग्नता अधिगम में बेहतर होगी और सीखने के अवसर भी उसको ज्यादा सीखने के अवसर और अपने को व्यक्त करने का अवसर भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक, मतलब किसी त्योहार में आपकी भागीदारी और आपका अनुभव बिल्कुल अलग होगा, जो किताबी ज्ञान अनुभव से अलग होगा जी हाँ, क्योंकि आप स्वयं शामिल हो रहे हैं, आप तेजपुर में काम कर रहे हैं जी हाँ, असम की जो लोक संस्कृति है, जो लोक रंग है वहाँ जी हाँ जी हाँ, वहाँ बिहू का जो रंग देखने को मिलेगा या एक बच्चे का अनुभव जो होगा, वह दिल्ली में बैठा हुआ एक आसाम का बच्चा भी उस तरह से बिहू को व्याख्या नहीं कर सकता अनुभव नहीं कर सकता। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, हर क्षेत्र के अपने अपने त्यौहार हैं, अपने अपनी लोक संस्कृति है, तो उसको समझने के लिए अगर हम उन्हें प्रोजेक्ट विधि से दिया जाए कार्य, तो विद्यार्थी उसको करें, लोगों से मिले, बात करें और उस पर रिपोर्ट बनाए, तो वह बेहतर विधि होगी, अनुभव आधारित विधि होगी, अनुभव आधारित अधिगम होगा। कुछ और भी प्रकरण हो सकते हैं क्या जिस पर हम लोग प्रोजेक्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि कई तरह की समस्याएं दे सकते हैं, जैसे कि हमारा स्वच्छता आज के समय की बहुत महती आवश्यकता है, तो हम विद्यालय स्वच्छता को प्रोजेक्ट विधि के द्वारा विद्यार्थियों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसमें समस्या यही है कि विद्यार्थी का हर अलग अलग जो विद्यालय के भाग है उन्हें स्वच्छ कैसे रखा जाए, तो विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट विधि के द्वारा ये पढ़ाया जा सकता है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आजकल की एक समस्या है हमारी कि हमारा प्रदूषण एक समस्या है जी, तो प्रदूषण को भी एक परियोजना के आधार पर प्रदूषण की समस्या का हल कैसे करें, विद्यार्थी उसका अवलोकन करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रदूषण में वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनके द्वारा हम किस तरह से इस समस्याओं को हल करें और उस पर विभिन्न चित्र एकत्रित करें, चर्चा करें और उनसे जानकारी एकत्रित करके उसका प्रस्तुतिकरण करें। मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट विधि में हम शिक्षार्थियों को यह अवसर भी देते हैं कि वह अनुमान लगाए, कल्पना करें जी, हमारी जो मतलब वैसे जो औपचारिक शिक्षा है उसमें इसके अवसर बहुत ही कम है कि एक पढ़ने वाला अनुमान लगा सके जी हाँ, कल्पना कर सके, उसको एक ठोस रटे रटाए उत्तर की तरफ जाना होता है, तो प्रोजेक्ट विधि उसको ये अवसर देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगा सके, कल्पना कर सके, अपने आप को व्यक्त कर सके, तो इससे उसकी सृजनात्मकता में वृद्धि होगी, उसकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, सोचने की मनन चिंतन मनन क्षमता में वृद्धि होगी और विद्यार्थी तर्कपूर्ण सोच की ओर आगे अग्रसर होगा जी जी, तो इसी विधि का यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस प्रोजेक्ट विधि के कुछ लाभ भी होंगे जी, हम क्यों करें, एक आम सवाल हितेश जी हमारे मन में उठता है कि हम इस विधि का प्रयोग क्यों करें जी हाँ, तो कुछ ना कुछ लाभ इस विधि का होगा या अन्य विधियों की तुलना में कुछ विशेषताएं इसमें ऐसी जरूर हैं जिसकी चर्चा भी आपने की, जिसके कारण एक शिक्षक का ध्यान इस तरफ
या एक शिक्षिका का ध्यान इस तरफ आकृष्ट होना चाहिए, तो उन लाभों की ओर यदि आप, जो प्रोजेक्ट विधि के लाभ हैं, उस तरफ यदि आप हमारा ध्यान आकृष्ट कराते तो बेहतर होता। प्रोजेक्ट विधि के क्या लाभ हैं? जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर रखा है कि इसके लाभ क्या क्या हैं। जी, तो मैं कुछ लाभों को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि सक्रिय अधिगम एक है हमारा, कि विद्यार्थी पूरे समय सक्रिय रहता है। जब प्रोजेक्ट से विद्यार्थी कार्य करता है तो वह निष्क्रिय नहीं रहता है। जैसे कि एक विधि हमने देखा था कि व्याख्यान विधि में अनिवार्य नहीं है कि हर विद्यार्थी सक्रिय हो, वो कक्षा में सक्रिय नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट विधि में जब विद्यार्थी सक्रिय है, विद्यार्थी सक्रिय है, विद्यार्थी खुद कार्य कर रहा है, तो उसे अपने आप उसे अधिगम में रुचि जागृत हो रही है विद्यार्थी की। फिर हमारा यह है कि जो हमने अनिवार्य शर्त है प्रोजेक्ट विधि की, कि यह वास्तविक जीवन के अनुभव से संबंधित होती है। तो जब कोई भी प्रकरण या जो भी कोई भी समस्या वास्तविक जीवन से हम लेते हैं तो अपने आप उसमें रुचि जागृत होना स्वाभाविक है। जी जी, क्योंकि वास्तविक जीवन की समस्याओं को जब हम हल करते हैं तो विद्यार्थी कई लोगों से जुड़ता है, कई लोगों से बात करता है, कई लोगों से चर्चा करता है, तो वह अपने आप सीखता है बिना किसी विनय अनुनय के, अपने आप स्वतः स्फूर्त अधिगम करता है। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो उसका जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसकी उपयोगिता है, तो इसलिए वो अर्थपूर्ण अधिगम की ओर ले जाती है हमें। यह विधि हमें विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता दें इसकी ओर ले जाती है, कि विद्यार्थियों को हम वहाँ शिक्षक का कोई बंधन नहीं है कि उसे ये करना है या नहीं करना है। ये स्वतंत्रता देती है विद्यार्थियों को कि अपना कार्य खुद करें, अपने समूह में अपनी खुद बातचीत करें, अपना स्वतः की जो विभिन्न उसके विचार हैं उनको रखें। तो यह स्वतंत्रता का नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर इस विधि का एक बहुत अच्छा लाभ है कि यह विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। अच्छा। इसके अलावा विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का विकास होता है, क्योंकि विद्यार्थी जब स्वयं करता है तो जब उसे हम किसी को दल बना के काम दे दिया हमने कि आपको ये पत्रिका का यह काम करना है, तो विद्यार्थी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। इसी तरह इसमें जिम्मेदारी के गुण का विकास होता है कि किसी कार्य को अपनी खुद की जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। जी, तो ये कुछ लाभ मैंने आपको बताए प्रोजेक्ट विधि के। और जैसे मान लीजिए वो एक समूह में काम करता है तो सहयोग की भावना का विकास। बिल्कुल जी, आपने एक दूसरे के मनोभावों को समझना, जी हाँ जी, उसके अनुकूल काम करना, तो सह अस्तित्व का भी विकास मुझे लगता है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रोजेक्ट विधि से और भी कई लाभ हैं, जैसे कि सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना का विकास होता है। जी, जी, जी। फिर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जी, जब वो काम खुद करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना होती है। जब समूह में कार्य करते हैं तो समूह में कार्य कैसे करना, समूह कार्य को कैसे समझना, आपसी संबंधों को कैसे कायम करना, विद्यार्थी विद्यार्थी संबंध, विद्यार्थी शिक्षक संबंध, तो इस तरह से समूह में कार्य करना विद्यार्थी सीखता है। उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, क्योंकि जब समूह में कार्य करते हैं तो विद्यार्थियों में कोई ना कोई उनको लीड करता है, तो उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। उनमें रुचि जागृत होती है, उनमें प्रेरणा एवं उपलब्धि का एहसास होता है। जब किसी कार्य को कर देते हैं, कुछ किया हमने, खुद ने कुछ किया, जी हाँ, तो यह उपलब्धि का जो एहसास है ये विद्यार्थियों में स्वप्रेरणा का कार्य करता है, तो उस काम को और आगे करें, यह उन्हें एक अपने आप में उनके लिए एक अच्छी प्रतिपुष्टि होती है। तो विद्यार्थी में रुचि होती है, प्रेरणा है, उपलब्धि का एहसास है, तो ये सब हमारे इस विधि के मुख्य मुख्य लाभ हैं। और इसमें चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं, आगे क्या होगा। जी हाँ, आगे क्या होगा, आगे क्या, तो सरसता बनी रहती है, समरसता रहती है। हाँ, और चुनौतीपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। हाँ, कि अब हमें क्या? हमें करना है ये कार्य को, बिल्कुल, हमें और करते जब जाते हैं तो अब क्या का जो चरण है, जी हाँ, वो जी एक हाँ, तरह से हमेशा आपको उत्सुक बनाए रखता है। जी हाँ, आपकी जिज्ञासा के शांत होने तक की जो उत्सुकता है वो बराबर बनी रहती है, वो बनी रहती है। जी, प्रोजेक्ट विधि में एक बड़ा लाभ ये भी है कि आप सरसता बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है, और आप जो जानने के जो जिज्ञासु लोग हैं या इच्छुक हैं विद्यार्थी, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ प्राप्त किया, उन्होंने उपलब्धि का बोध। जी हाँ, क्योंकि वो स्वयं करते हैं, बाकी विधियों से अलग हटके, जैसा आपने शुरू में ही बताया कि यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षार्थियों की संलग्नता बहुत आवश्यक है, यदि वो इसमें संलग्न नहीं है तो फिर इस विधि का बहुत लाभ नहीं होगा। यदि बैठे बिठाए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जी हाँ, जो कुछ किताबों से कुछ बड़े महापुरुषों की लिखी हुई बातों का संकलन करके भी
कई जगह उसे भी हम लोग प्रोजेक्ट मानते हैं कि आप इस बिंदु पर विभिन्न लोगों द्वारा कही गई बातों का संकलन करें जो व्यक्तिगत होता है। हालांकि इसमें भी एक लाभ तो है ही कि आप इसी बहाने विभिन्न विचारकों को पढ़ते हैं और उनके विचारों को एकत्रित करते हैं और एक खास बिंदु के विचारों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार हितेश जी, आपने बड़े ही विस्तार से हमारे शिक्षार्थियों को प्रोजेक्ट विधि के बारे में, उसके विभिन्न विविध चरणों के बारे में और साथ ही साथ उसकी जो उपयोगिता है, उसके जो लाभ हैं, इसके बारे में बताया। हम अपेक्षा करते हैं अपने डीएलएड के प्रशिक्षुओं से कि वे अपनी कक्षाओं में इस तरह का प्रयोग करेंगे। और एक आग्रह और है कि प्रोजेक्ट विधि को करते हुए कृपया समय प्रबंधन को अवश्य ध्यान में रखें। बिल्कुल ठीक है, जब तक समय प्रबंधन को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, कई बार इसलिए भी हम प्रोजेक्ट विधि का सहारा नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम उस हिसाब से संपूर्ण विद्यालयीय पाठ्यचर्या में समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसमें हमारे लिए या हम शिक्षकों के लिए, हम शिक्षिकाओं के लिए प्रोजेक्ट विधि कराने की गुंजाइश हो। इसलिए हम जब भी विद्यालय स्तरीय पाठ्यचर्या पर चर्चा करें तो प्रोजेक्ट विधि के लिए भी कुछ न कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए। तो आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एक बार फिर से आपका डॉक्टर हितेश शर्मा जी बहुत बहुत आभार, और आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।